और इसके वजह से फ्लोरोन काला पड़ जाता है, कोना पकड़ लेता है। काफी लोगों के फ्लोरोन के अंदर प्रॉब्लम आया है, फिल्टर की वजह से प्रॉब्लम आता है। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार आरिफ भाई हमारे साथ में, और आज फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ में हमारे साथ में आए हैं आरिफ भाई। तो आरिफ भाई बताएंगे कौन से सब्जेक्ट के बारे में आज वो हमें बताने वाले हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट यही है कि वीडियो फिल्टर्स किस टाइप के होते हैं, किस तरीके यूज करना चाहिए, ये जरूरी है। तो ये फिल्टर है आरिफ भाई, आज हमें आप फिल्टर के बारे में बताने वाले, फुल नॉलेज। हाँ, तो ये फिल्टर है, ये स्पॉन्ज फिल्टर है, ये वाला जहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉन्ज फिल्टर, ये यहाँ पे ये स्पॉन्ज फिल्टर है, ये वाला। ये आप नॉर्मली कोई भी फिशेस में यूज़ कर सकते हो, टेट्रास वगैरह में, ऑस्कर वगैरह, फ्लोरॉन में वगैरह आप उसको लगा सकते हो, क्योंकि ये जो फिल्टर है हार्मफुल नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर वगैरह नहीं मारता है, इसके अंदर से बबल्स वगैरह निकलता है, सब लोगों को पता होगा इसके बारे में। ये एक फिल्टर है, स्पॉन्ज फिल्टर है ये। तो आपने सभी तरफ यही फिल्टर यूज़ किया? हाँ, एक्चुअल कोई भी शॉपकीपर यही फिल्टर यूज़ करता है इजीली, और ये क्लीन करने में भी इजी है, और मच्छी को हार्म नहीं करता, फ्लो वगैरह नहीं मारता है। सेकंड फिल्टर हमारे पास ये वाला है, जो हैंग ऑन फिल्टर है, ये वाला। ये जो फिल्टर है आप इसको टेट्रास वगैरह में यूज़ कर सकते हो, छोटे मछलियों में, या फिर प्लांटेड टैंक वगैरह आपने लगाया तो ये वाला फिल्टर आप यूज़ कर सकते हो, इसको हैंग ऑन फिल्टर बोलते हैं। ये प्लांटेड टैंक में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाँ, आप इसको टेट्रा टैंक में, छोटे टैंक में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर टैंक को कवर होगा तो यूज़ कर सकते हैं, तो ये विदाउट कवर में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये जो होता है साइड में हैंग होता है, तो ये जो कांच के ऊपर जो साइड की पट्टी होती है, तो ये पट्टी पे लगता है ये वाला फिल्टर। तो इसको विदाउट कवर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कवर है तो आपको साइड का जो उसका एक हिस्सा है वो आपको कट करना पड़ेगा, तब जाके ये फिट हो जाएगा उसके अंदर। ओके, ये रिस्ट्रिक्शन है इसका। हाँ, तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, मच्छी के लिए हार्मफुल नहीं है। छोटी से टेट्रा से लेके अदर एंजल वगैरह में भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, मच्छी को हार्मफुल नहीं है। सेकेंड थिंग, ये वाला फिल्टर है, ये वाला इंटरनल फिल्टर बोलते हैं इसको। तो ये, हाँ, ये पावर फिल्टर और इंटरनल फिल्टर इसको बोलते हैं। तो ये जो फिल्टर है जो फ्लो मारता है यहाँ से, और आप इसको अवॉइड करेंगे टेट्रास के अंदर डालने के लिए, फ्लोरोन के अंदर डालने के लिए, क्योंकि फ्लोरोन को फ्लो लगने की वजह से वो स्ट्रेस में चले जाता है, काला पड़ जाता है। तो आप लोग, हाँ, इसके वजह से फ्लोरोन काला पड़ता है, व्हाइट स्पॉट्स आने के चांसेस है उसके लिए, और इसके वजह से फ्लोरोन काला पड़ जाता है, कोना पकड़ लेता है। काफ़ी लोगों के फ्लोरोन के अंदर प्रॉब्लम आया है, फिल्टर की वजह से प्रॉब्लम आता है। तो डिस्कस के लिए भी फिल्टर चलता नहीं है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ऑस्कर वगैरह, या फिर शार्क वगैरह, या फिर आपके पास डॉलर वगैरह है, बड़ा मच्छी, हाँ, अरवाना के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपके बड़ा मच्छी है कोई भी है तो उसका जो प्रेशर झेल सकता है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको इंटरनल फिल्टर या पावर फिल्टर बोलते हैं। और सेकेंड थिंग, एक फिल्टर है यहाँ पे, दूसरा इसको बोलते पावर फिल्टर, ये टॉपअप फिल्टर है। ओके, जो फिल्टर है टॉपअप फिल्टर है। हाँ, ये टॉपअप फिल्टर है, ये जो नीचे इसका हेड होता है, ये जो मशीन से ऊपर पानी फ्लो खींचने के बाद यहाँ से डब्बे में से क्लीन करके नीचे छोड़ता है, तो इसके अंदर आपको स्पंज फिल्टर, स्पंज लगाना होता है मिडल के अंदर, और इसके अंदर आप इसके अंदर एक्टिवेट कार्बन और सिरामिक रिंग, बायोबल्स वगैरह आप इसके अंदर इस यूज़ कर सकते हो डब्बे के अंदर। डब्बा जो होता है ये आपके अंदर, इसको डब्बा बता देता हूँ मैं आप लोग को, इसके अंदर इस टाइप का, आप लोग खोल के देख लो थोड़ा सा, आप फिल्टर। तो ये टॉपअप फिल्टर के अंदर ये डब्बा होता है, ये डब्बे के अंदर आपको यहाँ पे इस तरह से बताता हूँ, ये डब्बा है, इसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं, ये जो पाइप होता है, ये जो पाइप इसमें लगता है यहाँ पे नीचे बाजू। ओके, ये पंप है आरिफ भाई, ये हेड है, इसको हेड बोलते हैं, ये पावर फिल्टर का हेड है ये। ये हेड में से पानी यहाँ से खींचता है नीचे से, और यहाँ से इसके पाइप के ज़रिए से पानी इसके अंदर आता है। तो आप इसके अंदर ऊपर आपको स्पंज डालना है, एक्टिवेट कार्बन डाल सकते हो, सिरामिक रिंग डाल सकते हो, बायोबॉल्स इसके अंदर डाल सकते हो, यानी बहुत कुछ चीज़ें हम इसमें, हाँ, इसके अंदर ऐड करना इसका रीज़न होता है ऐड करने का। ओके, क्योंकि इसके अंदर आप ऐड करेंगे तो स्मेल वगैरह नहीं आएगी, या बैक्टीरियाज वगैरह जो भी हैं इसके अंदर, हाँ, अगर बायोबॉल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो इसके अंदर गुड बैक्टीरियाज भी जमा होता है उसके अंदर, और आपका जो स्मेल वगैरह, जो कचरा वगैरह इसमें अच्छे से उसके अंदर आ जाएगा, और पानी क्लीन करके आपको नीचे ये डालेगा। बट इसका भी रीज़न है, ये भी आप बड़े मच्छियों में यूज़ कर सकते हैं, अरवाना में, ऑस्कर में, या फिर आप इसको सिल्वर शार्क या नॉर्मल शार्क वगैरह कोई वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास बड़ी मच्छी है किसिंग वगैरह, या फिर जाइंट गुलामी वगैरह, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको टेट्रा में नहीं यूज़ कर सकते हो, और फ्लो मारने वाला है इसका हेड है, तो आप इसको थोड़ा सा फ्लोरोन वगैरह में अवॉइड करें थोड़ा सा, तो इसको जैसा ये भी फ्लो मारता है जोर से ना, फ्लो मारता है इसका फ्रंट साइड में से फ्लो आता है, यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को मैं, यहाँ से फ्लो मारता है ये या फ्रंट में, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, थोड़ा बड़ा मच्छी वगैरह आए तो आपके पास इसको लगा सकते हैं आप, इसको ये इजीली उसके अंदर काम करेगा, ये तो क्लीन अच्छा करता है ये भी। और एक दूसरा फिल्टर एक आता है कैनिस्टर फिल्टर, कैनिस्टर फिल्टर जो डब्बा आता है, थोड़ा कॉस्टली होता है वो, टैंक वाइज डिपेंड होता है, अगर आपके छोटा टैंक है तो मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये आता है,
थोड़ा बड़ा टैंक रहेगा तो 8 से 10 हज़ार का आता है, और अच्छा टैंक बड़ा है तो 15 हज़ार तक का भी उसके अंदर कैनिस्टर फिल्टर आता है। वो हाँ प्रोसेस सेम होता है उसका, जैसा ऊपर निकाल के क्लीन करता है तो साइड में डब्बा होता है, वो डब्बे में से पानी खींच के क्लीन करके सेम उसके अंदर जो आप यूज़ करेंगे वो उसके अंदर भी यूज़ करना होता है, वो क्लीन करके आपको वापस से पानी टैंक के अंदर डालता है। वो एक टाइप है फिल्टर का भी, कैनिस्टर टाइप है वो। ये एक टॉपर फिल्टर है, हैंग ऑन फिल्टर है, पावर फिल्टर है और स्पंज फिल्टर है। अगर आप नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं, जितना वॉश रखेंगे आप आपका फिल्टर या अंदर का स्पंज, तो उतना आपका टैंक क्लीन रहेगा। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। अरे भाई आपने तो बता दिया कि कौन से फिश के साथ में आपने कौन सा फिल्टर यूज़ करना चाहिए, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि टैंक का क्या साइज होने के बाद में हमें कौन सा फिल्टर यूज़ करना है। एक्चुअल सब साइज़ के हिसाब से अलग अलग फिल्टर आते हैं। अगर आप ये 280 यूज़ कर रहे हो, ये वाला स्पंज फिल्टर यूज़ करते हो, हाँ तो इसमें भी साइज़ आती है। अगर आपका टैंक छोटा है तो आप छोटा साइज़ का स्पंज फिल्टर यूज़ करो, अगर आपका टैंक बड़ा है तो बड़ा साइज़ का स्पंज फिल्टर यूज़ करो। इसके अंदर फुल साइज़ भी आती है, जंबो साइज़ भी आती है, बड़ा साइज़ का आता है इसके अंदर। ये है कि हैंग ऑन फिल्टर में भी साइज़ आती है, बड़ी छोटी साइज़ आती है। जो भी फिल्टर लेंगे इसके अंदर भी बड़ा छोटा साइज़ आता है। पावर फिल्टर के अंदर बहुत सारी कंपनी से, बहुत सारी वैरायटीज़ है, बहुत सारे टाइप्स रहेंगे इसके अंदर, बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ के भी आते हैं इसके अंदर। और ये फिल्टर के अंदर, इंटरनल फिल्टर के अंदर आपको सिरामिक रिंग वाला भी आता है, स्पंज वाला भी आता है इसके अंदर, तो वो वाला फिल्टर भी इसके अंदर पावर फिल्टर के अंदर मिलता है। हैंग ऑन के अंदर भी आपको 2 से 3 टाइप मिलता है, इसके अंदर भी नंबर आता है 1000, 2000 और 4000 तक का इसके अंदर हैंग ऑन में फिल्टर आता है। और इसके अंदर भी जंबो साइज़ भी आती है स्पंज फिल्टर के अंदर, और पावर टॉप ऑफ फिल्टर के अंदर भी टाइप आते हैं। जैसे आपका टैंक का साइज़ है वो हिसाब से आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो फिल्टर। तो अभी पर्टिकुलर कोई साइज़ के लिए कौन सा फिल्टर ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट फिल्टर है स्पंज फिल्टर, क्योंकि ये इजी है, वॉश करने के लिए भी इजी है और क्लीन भी करता है पानी। इसका स्पंज निकाल के जितना वॉश करेंगे उतना आपका पानी क्लीन रहेगा। बट आपको इसके अंदर थोड़ा हैवी कचरा जो नीचे गिरा हुआ रहता है, शीट्स वगैरह, आपको पाइप से निकालना ज़रूरी है इसमें। और ये हैंग ऑन फिल्टर, ये भी आपका पानी क्लीन रखेगा। इसके अंदर स्पंज होता है, पानी क्लीन करके नीचे गिरता है इसके अंदर, बट ये भी नीचे का हैवी कचरा नहीं खींचेगा। अगर आपका टैंक बड़ा है, ज़्यादा शिप्स करने वाली आपके पास बड़ी बड़ी फिशेस है तो ये भी काम नहीं करेगा। अगर आपके पास नीचे से कचरा खींचना है, हैवी कचरा खींचना है, तो आपको उस टाइम पर ये फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा। बट डिपेंड है मच्छी कौन सी आपके पास, तो वो हिसाब से आप बड़ा कचरा खींचने के लिए। इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हैं कि छोटे टैंक्स के लिए स्पॉन्ज और हैंग ऑन लेना चाहिए? छोटे के लिए इस बेस्ट है, ये दोनों फिल्टर मेरे सबसे बेस्ट है, क्योंकि पानी तो आप लोग चेंज करते ही रहेंगे ना, वो तो करना ज़रूरी है। तो ये छोटे टैंक के लिए बेस्ट है। हमने पावर फिल्टर और टॉप अप फिल्टर यूज़ करना है। हाँ, बड़े टैंक के लिए स्पेस ज़्यादा होता है, फ्लो कम लगता है बड़े टैंक के अंदर, तो ये फ्लो अगर मारते भी है तो फ्लो कम लगता है इसका, तो ये यूजेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटे टैंक में, छोटे टैंक के अंदर, हाँ छोटे टैंक में मैं तो अवॉइड करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, काफ़ी लोग ज़्यादा करके शॉपकीपर भी यही बेचते हैं, पावर फिल्टर लो, पावर फिल्टर लो, यही लो, हाँ यही बिकता है, यही बिकता है, ज़्यादा करके बेचते हैं। बट ये थोड़ा टैंक का साइज़ या कौन सी फिश यूज़ करना है वो नहीं पता। हाँ, टैंक पे एक्चुअली डिपेंड है। अगर 1.5 फुट का टैंक है तो आपको यूज़ नहीं करना है, 1 फुट के टैंक में आपको पावर फिल्टर यूज़ नहीं करना है, तो आपको इसके साथ ही जाना है या फिर इसके साथ जा सकते हैं आप। कवर नहीं है तो आप हैंग ऑन यूज़ कर सकते हैं, कवर है तो आप स्पंज फिल्टर यूज़ करते हैं। छोटे टैंक के लिए बेस्ट है, बड़े टैंक है आपके पास जगह स्पेस अच्छी है, टैंक के अंदर फ्लो नहीं लगेगा मच्छियों को, तो फिर ये दो फिल्टर इट्स ओके बेस्ट है। तो छोटे टैंक के लिए इट्स ओके, बड़े टैंक के लिए इट्स ओके। ओके अरे भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया सा नॉलेज दिया आपने। और आज के बाद में तो लोगों का जो, हमारे जो व्यूअर्स है उनका तो जो फिल्टर यूज करने का जो ये है डाउट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। काफी लोगों को अभी तक यही पता नहीं है कि फिल्टर कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो ये मैंने एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, नॉलेजेबल है थोड़ा सा। तो ये मेरे से एक ही कोशिश होती है कि आप लोगों को मैं कुछ ज्ञान दूँ, कुछ बताऊँ, कुछ सिखाऊँ। काफ़ी लोग आते हैं जो मेरे से मिलते हैं, मेरे से सवाल पूछते हैं शॉप के अंदर, काफ़ी लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं, तो मेरे वीडियो देखते रहिए आप लोग, इसके अंदर काफ़ी सारा नॉलेज मैंने दे चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा परेशान ना करें प्लीज़। और थोड़ा सा आप खुद पर्सनली आप अपने दिमाग से थोड़ा सोचिए, मैंने काफ़ी सारा बता चुका हूँ, आप वो हिसाब से यूज़ कर सकते हैं इजीली। और आपको क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, मैं हर वीडियोज़ में बताते रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस देखा करिए आप लोग, ताकि आप लोग को नॉलेज मिले आपको किस टाइप से रखना है, किस टाइप से नहीं रखना है। और आरिफ भाई, अगर आपको किसी को कॉल करना ही है तो कौन से टाइम पे पर्टिकुलरली कॉल करें? एक्चुअल मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि दिन भर पब्लिक फ़ोन करती है, मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूँ, छोटा सा शॉप है मेरा और मैं खुद ही काम करता हूँ, यहाँ पे मेरी मच्छियाँ जो है मैं खुद मेंटेन करता हूँ, यहाँ तक कि मैं स्पंज वगैरह खुद मेरे हाथ से वॉश करता हूँ, काफ़ी मैं काम मेरे खुद शॉप पर करता हूँ, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा फ़ोन उठाता नहीं। काफ़ी लोग मेरे से नाराज़ भी है कि भाई फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन बजते रहता है, कॉल करता कॉल नहीं उठाता, तो मेरे पास थोड़ा टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
तो अगर मैं फ्री रहूँगा उस टाइम पे आप लोग का कॉल उठाऊँगा, अगर मैं दुकान से निकला हूँ बाहर हूँ फ्री हो तो मैं आप लोग का कॉल रिसीव करूँगा। तो काफ़ी मैं अभी वीडियो के अंदर थोड़ा एक दो नंबर वापस से नया ऐड करने वाला हूँ, तो वो वीडियो उसके नंबर जो ऐड करूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो दो नंबर नया ऐड करूँगा उसके अंदर, वो दो नंबर पर आप लोगों को कॉल करना पड़ेगा। तो वो दो जो बंदे वो कॉल आपका रिसीव करेंगे, आपका आंसर करेंगे। अगर मैं बिज़ी हूँ तो मैं नंबर या फ़ोन नहीं उठा सकता, अगर मैं बिज़ी नहीं होता आप लोग का कॉल जरूर उठा। हम डिस्प्ले में उनका नंबर डाल देते हैं, हाँ तो कुछ डाउट रहा हाँ तो उनको कॉल कर लेंगे। ओके, आपको अगर नहीं होता है तो बाद में फिर आपको कॉल, आपको फिश रिलेटेड अगर कुछ पूछना है, बीमारी के बारे में अगर पूछना है या फिर मच्छी आपकी कंडीशन बैड हो रही है पूछना है, तो आप लोग वो नंबर पर कॉल करिए। ठीक है ना आरिफ भाई, मैंने डिस्प्ले में डाल दिए वो नंबर पर लोगों को लोग कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। हाँ, आप डिस्प्ले पर देखिए जो दो नंबर आ रहे हैं, दो जन बंदे का नाम आएगा उसके अंदर, वो दो बंदे को आप कॉल कर सकते हैं, एक का नाम मंसूर है और एक का नाम दानिश है, ये दो बंदे को आप कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी अच्छा किया आरिफ भाई आपने, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप दूसरों के नंबर, एक्चुअली क्या होता है फ़ोन कम पड़ जाता है थोड़ा सा, कॉल ज़्यादा आते हैं कभी कभी, एक साथ अच्छे साथ कॉल भी आते हैं। हाँ, आप उन लोग को पूछ सकते हैं, मच्छी की बीमारी के बारे में पूछो, मच्छी रखने का तरीका पूछो, अगर उनसे नहीं होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल व्यूअर्स, आई लव यू ऑल यू ऑल, और आप मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू, और मुझे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऊपर में जो सर्कल दिया उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।